हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्कैफोल्डिंग के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से खतरात हैं, उनके प्रिकॉशंस क्या हैं, उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। उसके अलावा हम जानेंगे कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम, कि स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम क्या है, स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चैनल पर नए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू सपोर्ट मटेरियल्स, प्लांट और इक्विपमेंट। ठीक है, कि स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है, जो कि किसी भी वर्क को सर अंजाम देने के लिए इसको रख किया जाता है और बाद में इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली किसी भी वर्क को सर अंजाम देने के लिए इसको अरेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर एक ऑयल एंड गैस की फील्ड है या कोई किसी वर्क लोकेशन पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हर एक वर्क प्लेस पर मोस्टली टाइप्स के काम जो है सर अंजाम दिए जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर एक ऑयल एंड गैस फील्ड में अगर एक पेंटिंग का काम चल रहा है या एक वेल्डिंग का काम चल रहा होता है, इसके अलावा कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या स्ट्रक्चर रिएक्शन का काम चल रहा होता है, तो इन तमाम काम के लिए स्कैफोल्डिंग को रख लिया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है जब हमें अगर एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग की हाइट को हम 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर या इससे ज़्यादा भी लेकर जाते हैं, तो उस 2 मीटर की हाइट से स्कैफोल्डिंग की हमें ज़रूरत होती है ताकि वो काम जो हम अच्छे तरीके से एक सेफ तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। ठीक है, और एक बड़ी लेंथ में भी स्कैफोल्डिंग को रख किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर काम को सेफ तरीके से सर अंजाम दिया जा सके और बाद में स्कैफोल्डिंग को रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग के हजार्ड्स और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। कि स्कैफोल्डिंग अगर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं या फिर ड्यूरिंग रक्शन के दौरान, या अगर एक बड़ी लेंथ में स्कैफोल्डिंग है तो उसके आसपास के जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए कौन कौन से ऐसे खतरात हैं कि हेल्थ अफेक्ट कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग से उन वर्कर्स की इंजरी हो सकती है, स्कैफोल्डिंग में ऐसे भी खतरात हैं जिससे किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है या प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है। तो स्कैफोल्डिंग हजार्ड में स्लिप ट्रिप फॉल एक कॉमन हजार्ड होता है। ठीक है, अगर एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर रख किया जाता है उस प्लेटफॉर्म पर अगर केबल्स वगैरह हैं या वो जो प्लैंक्स स्कैफोल्डिंग पर डाले जाते हैं वो अगर इनसिक्योर है तो स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है जिसकी वजह से वर्कर्स को इंजरी हो सकती है। ठीक है, सेकंड फॉलिंग फ्रॉम हाइट एक मेजर हजार्ड है जिससे एक फटलिटी भी हो सकती है। तो विदाउट फुल बॉडी हार्नेस अगर वो काम करेंगे या उन्होंने हार्नेस को हुक नहीं किया होगा तो उस वजह से स्कैफोल्डिंग फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, वर्कर स्कैफोल्डिंग से नीचे गिर सकता है, उसकी हाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, 40 मीटर से ज़्यादा भी स्कैफोल्डिंग हाइट हो सकती है, तो उससे अगर वर्कर या कोई भी काम करने के दौरान नीचे गिरेगा तो ये एक स्कैफोल्डिंग हजार्ड है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट से मराज की स्कैफोल्डिंग अगर एक हाइट पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनसे कोई मटेरियल वगैरह अगर नीचे गिर सकता है जिससे नीचे जो वर्कर्स होते हैं उनको हिट कर सकता है, तो ये भी एक हजार्ड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग भी एक मेजर हजार्ड में इसको कंसिडर किया जाता है। अगर एक स्कैफोल्डिंग को इनसिक्योर बनाया गया है, उसमें ब्रेसिंग का यूज़ नहीं किया गया, या स्कैफोल्डिंग की जो स्टेबिलिटी है वो वीक है या उसका लेवल वीक है, किसी भी रीज़न से अगर स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होता है तो वो भी एक मेजर हजार्ड है स्कैफोल्डिंग है। मैनुअल हैंडलिंग एक स्कैफोल्डिंग हजार्ड होता है कि अगर एक स्कैफोल्डिंग में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं या मटेरियल्स को ऊपर या नीचे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस दौरान अगर रोटेशन नहीं होती है, वर्कर्स रेगुलर काम कर रहे हैं, एक हैवी मटेरियल को ऊपर या नीचे लेके जा रहे हैं, जेन व्हील का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मैनुअल हैंडलिंग में इसको कंसिडर किया जाता है। ये भी एक हजार्ड है जिसकी वजह से अपर लिम्ब डिसऑर्डर हो सकता है। ओवर हेड पावर लाइन्स स्कैफोल्डिंग में एक हजार्ड होता है कि अगर एक वर्कर्स स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं या उस स्कैफोल्डिंग की हाइट एक लेवल तक चली गई और ऊपर से बिजली की वायर्स वगैरह गुजर रही हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट हो सकता है वर्कर्स का, जिसकी वजह से उनकी डेथ वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस जो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो इसके प्रिकॉशन मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रिकॉशन हजार्ड से लिए जाए ताकि हजार्ड्स को स्किन के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके या इनको कंट्रोल किया जा सके। वर्किंग बनीथ स्कैफोल्डिंग वर्क एक ऐसा हजार्ड है, एक वर्कर स्कैफोल्डिंग पर काम कर रहे हैं या स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कर रहे हैं, नीचे किसी दूसरे टाइप का वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो उस दौरान उस स्कैफोल्डिंग की मटेरियल गिरने से या स्कैफोल्डिंग का कोई ऑब्जेक्ट गिरने से वहाँ पर नीचे जो वर्कर दूसरा काम सर अंजाम दे रहे हैं तो उनको भी वो ऑब्जेक्ट हिट कर सकता है जिसकी वजह से एक मेजर इंजरी हो सकती है, तो ये भी एक हजार्ड में इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसपोरेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोरेशन ऑफ मटेरियल के अगर एक स्कैफोल्डिंग के मटेरियल्स को स्कैफोल्डिंग पर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए आमतौर पर एक एक्सेस का यूज़ किया जाता है या मैन लिफ्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसके बगैर अगर ट्रांसपोर्ट मटेरियल करेंगे तो उसकी वजह से भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल नीचे गिरने से या दूसरे पर्सन को ऑब्जेक्ट हिट करने से भी इसका इंजरी वगैरह हो सकती है। व्हीकल्स से मराद जैसे कि फोर्क लिफ्ट, जेसीबी या दूसरे क्रेन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है स्कैफोल्डिंग के मटेरियल्स को ऊपर या नीचे रखने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए,
तो वो हिट कर सकते हैं स्कैफोल्डिंग को, या उन आपस में उनका कोलिजन हो सकता है, किसी वर्सन के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो सकता है, या रिवर्स करते हुए व्हीकल्स के साथ कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ये तमाम हजार्ड जो है ये व्हीकल हजार्ड में इसको इंक्लूड किया जाता है। टेम्परेचर या हीट स्ट्रेस भी एक हजार्ड होता है। एक हाई टेम्परेचर में अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनके में रोटेशन वगैरह नहीं दी जा रही तो उनमें स्ट्रेस हो सकती है, स्ट्रेस या सर दर्द होने की वजह से वो नीचे गिर सकते हैं, तो ये भी एक हजार्ड है। एडवर्स वेदर भी एक स्कैफोल्डिंग का हजार्ड है कि एक स्कैफोल्डिंग में अगर फोक कंडीशन में अगर स्कैफोल्डिंग में वर्कर काम कर रहे हैं तो, या अगर एक हैवी विंड है ठीक है, या बारिश की वजह से स्कैफोल्डिंग को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें स्लिप रिप फॉल हो सकता है, या विजिबिलिटी लो होने की वजह से भी वहाँ पर वर्कर्स नीचे गिर सकते हैं। तो ये तमाम हजार्ड जो है स्कैफोल्डिंग वर्क में इसको इंक्लूड किया जाता है, ये मेजर हजार्ड्स हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन तमाम हजार्ड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनके कंट्रोल मेजर्स कौन से हैं, ताकि इन तमाम स्कैफोल्डिंग के हजार्ड्स को पहले एलिमिनेट किया जाए। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसके रिस्क को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग प्रीकॉशंस क्या हैं। तो स्कैफोल्डिंग प्रीकॉशंस में प्रोवाइड बैरिकेड्स एंड साइनेजेस ठीक है। अगर एक स्कैफोल्डिंग अरेक्ट करते हुए सबसे पहले हमें उस एरिया को बैरिकेड करना होता है, साइनेजेस वगैरह लगाने होते हैं ताकि जो दूसरे वर्कर्स हैं उनको पता हो कि एक पार्टिकुलर लोकेशन पर स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं। इंश्योर ऑल एक्सेस एग्रेस रूट्स आर केप्ट आर क्लियर एट ऑल टाइम्स ठीक है, कि जितने भी स्कैफोल्डिंग के रूट्स हैं एक्सेस है वो क्लियर रूट्स हों, उन रूट्स पर भी एक प्रॉपर साइनेजेस वगैरह का यूज़ किया जाता है। गुड हाउसकीपिंग भी एक प्रिकॉशन है, किसी भी लोकेशन पर स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं स्कैफोल्डिंग प्रॉपर हाउसकीपिंग की जाए ठीक है। तमाम जो मटेरियल्स है वो एक प्रॉपर स्टेकिंग प्रॉपर लोकेशन पर उसको रखा जाए ताकि जो वर्कर्स हैं वो स्लिप ट्रिप फॉल से उनको बचाया जा सके ठीक है। इसके अलावा यूज़फुल बॉडी हार्नेस एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि स्कैफोल्डिंग अगर 2 मीटर से ज़्यादा हाइट पर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फुल बॉडी हार्नेस है उसको यूज़ किया जाता है और उसको 100% टाइम ऑफ भी किया जाता है ठीक है। जेन व्हील एंड रोप शुड बी इंस्पेक्टेड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। जेन व्हील से मराद फोल्डिंग के ऊपर जब मटेरियल को लेकर जाते हैं तो उसके लिए जेन व्हील का यूज़ किया जाता है ताकि जो मटेरियल है वो जेन व्हील के जरिए लेकर जा सके, ताकि जो मैनुअल हैंडलिंग के हजार्ड को इससे कंट्रोल किया जाता है ठीक है। जेन व्हील को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन उसकी लाजमी होनी चाहिए। उसके लिए जो रोप यूज़ की जाती है जेन व्हील के लिए, वायर की रोप यूज़ की जाती है, वो भी थर्ड पार्टी उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए तभी वो यूज़ हो सकता है। सिक्योर ऑल द मटेरियल्स एंड टूल्स ड्यूरिंग स्कैफोल्डिंग में जो भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल जिसमें स्पैनर्स या लेवल्स या कोई दूसरे मटेरियल स्कैफोल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर सिक्योर होने चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो स्कैफोल्डिंग वर्क के दौरान स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कर सकते हैं, जिनमें स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए या उनके पास स्कैफोल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंट स्कैफोल्डर स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट कर सकते हैं ठीक है। मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर जो है इसको प्रॉपर फॉलो किया जाए, वर्कर्स को रेस्ट रोटेशन दी जाती है ठीक है, उनको लॉन्ग टर्म में वर्क को कंटिन्यू किया जा सकता है। जो भी मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइंस ठीक है, जो कि मैंने हजार्ड आपको बोल रहा था कि स्कैफोल्डिंग के दौरान अगर ऊपर से कोई बिजली की वायर्स वगैरह गुजर रही हैं तो उनसे एक प्रॉपर डिस्टेंस रखा जाता है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड उससे वर्कर्स को सिक्योर किया जा सके। डू नॉट अलाउ एनी बॉडी टू वर्क बीनीथ द स्कैफोल्डिंग वर्क। स्कैफोल्डिंग के नीचे अगर कोई दूसरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी दूसरे टाइप का काम कर रहे हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जा सकता, उनको उसी टाइम रिमूव किया जाता है उस वर्क को, ताकि स्कैफोल्डिंग को पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि स्कैफोल्डिंग इरेक्ट होने के बाद ही वो वर्कर्स जो नीचे काम कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग द मटेरियल, जब स्कैफोल्डिंग मटेरियल को ट्रांसफर किया जाता है जेसीबी के जरिए या फोर्कलिफ्ट के जरिए, उस दौरान जो है वो जो जेसीबी यूज़ किया जाता है वो प्रॉपर उसके जो ड्राइवर जो होता है वो कंप्यूटर ड्राइवर होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक्समैन का यूज़ किया जाता है ताकि मूव के दौरान जो वर्कर्स हैं उनको पता हो कि एक स्कैफोल्डिंग की जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं ठीक है। ओनली कॉम्पिटेंट एंड सर्टिफाइड वेल लाइसेंस पर्सन के में ड्राइव दी व्हीकल्स ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि उसके पास लाइसेंस उसके पास ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए व्हीकल्स की, तभी वो व्हीकल जो है वो यूज़ कर सकता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर जो पीना चाहिए ताकि एक हीट स्ट्रेस या गर्मी जो है उसको कम किया जा सके। डो नॉट अलाउ एनी बॉडी टू वर्क ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन ठीक है, खराब वेदर है जिसमें फोग की कंडीशन है या एक बारिश की कंडीशन चल रही है, हैवी विंड चल रही है, उस तरह इसका फोल्डिंग का वर्क नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम हजार्ड्स जो हैं इनके तमाम प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका फोल्डिंग टैग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और इसका फोल्डिंग टैग सिस्टम है क्या, उनको कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है ठीक है। जब एक स्कैफोल्डिंग किसी भी लोकेशन पर किसी भी वर्क की कंडीशन में एक स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट किया जाता है तो उसके बाद स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम लगाया जाता है, एक स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन की जाती है जो कि थर्ड पार्टी बंदा एक इंस्पेक्टर जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करता है। तो उसके लिए स्कैफोल्डिंग जो टैग है वो 3 टाइप के स्कैफोल्डिंग यूज़ किए टैग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसमें रेड टैग, येलो टैग एंड ग्रीन टैग ठीक है। ये 3 स्कैफोल्डिंग टैग के टाइप्स हैं, ये स्कैफोल्डिंग टैग जो है एक स्कैफोल्डिंग पर लगाए जाते हैं।
अब यहाँ पर मैं अगर स्कैफोल्डिंग रेड टैग को उस टाइम लगाया जाता है जब स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस में होती है, एक इरेक्शन प्रोसेस में होती है, ठीक है, उसमें रेड टैग लगाया जाता है, उस दौरान वो बंदे स्कैफोल्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो स्कैफोल्डर होते हैं, ठीक है, किसी दूसरे वर्कर्स को स्कैफोल्डिंग पर वर्क करना अलाउड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद स्कैफोल्डिंग ग्रीन टैग का यूज़ किया जाता है। अब स्कैफोल्डिंग ग्रीन टैग इसलिए यूज़ किया जाता है, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन करने के बाद इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्शन करता है स्कैफोल्डिंग की, उसके बाद स्कैफोल्डिंग पर ग्रीन टैग लगाया जाता है ताकि तमाम जो वर्कर्स हैं दूसरे टाइप के वर्कर्स वो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें, ठीक। थर्ड नंबर में जो टैग यूज़ किया जाता है येलो टैग, इसमें भी येलो टैग बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें भी बेसिकली स्कैफोल्डिंग वर्क अलाउड नहीं होता है। अगर एक खराब वेदर है, वो बैड वेदर चल रहा है, या कोई स्कैफोल्डिंग में मॉडिफिकेशन चल रही है, स्कैफोल्डिंग की कोई मेंटेनेंस चल रही है, तो उस दौरान येलो टैग को लगाया जाता है। येलो टैग इसलिए लगाया जाता है ताकि दूसरे वर्कर स्कैफोल्डिंग पर काम ना कर सकें। इंस्पेक्शन के बाद अगर उसमें वर्क रिक्वायर्ड होता है या कोई बैड वेदर होता है तो उसी ग्रीन टैग को बैक साइड पर लगाया जाता है, उसमें येलो रंग होता है ताकि जो वर्कर्स हैं दूसरे टाइप के वो स्कैफोल्डिंग पर काम ना कर सकें। बाद में उसको फिर ग्रीन किया जाता है उस मॉडिफिकेशन के बाद या बैड वेदर जो होता है उसके खत्म होने के बाद। तो ये स्कैफोल्डिंग की टैग सिस्टम थे। आई होप कि आप लोगों को स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम का भी अच्छे से पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।